हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को कैसे क्लीन रखना है, उनके प्राइवेट पार्ट को साफ करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि नवजात शिशु यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं और शिशु के शरीर का हर एक हिस्सा बहुत नाजुक और कोमल होता है और साफ़ सफाई के मामले में बेबी के प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। वहीं बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को साफ़ करने में ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि अधिकतर माओं को इनके बारे में नहीं पता रहता। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को कैसे अच्छी तरीके से साफ़ रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में हम आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं स्मैग्मा के बारे में। स्मैग्मा क्या होता है, उसे कैसे क्लीन किया जाता है, ये बच्चों के प्राइवेट पार्ट पर आता है यानी कि बेबी बॉय के पेनिस पर होता है, ये क्या होता है, इसे कैसे साफ़ किया जाता है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में एंड में बताऊँगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नंबर वन, जब भी आपका बेबी यूरिन पास करे या पॉटी करे तो तुरंत आपको क्लीन कर देना चाहिए और डायपर चेंज कर देना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि बेबी बॉय के पेनिस को किस तरीके से आपको साफ़ करना है। नंबर वन, पानी से कैसे साफ़ करें। बेबी बॉय के पेनिस को आप गुनगुने पानी से धो सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप अपने बेबी के प्राइवेट पार्ट को गुनगुने पानी से धोती हैं तो उससे पहले पानी को चेक कर लें। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद बेबी के पेनिस को गुनगुने पानी से धोने के बाद तौलिए से इसे सुखा दें और ध्यान रहे कि बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट के सिर्फ ऊपरी स्किन को क्लीन करना है, अंदर गुनगुना पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है तो 3 साल के होने पर बच्चे को खुद से पेनिस या अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ करना सिखा सकते हैं क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें रोज़ पेनिस की फोर स्किन यानी कि जो ऊपर की त्वचा होती है उसे साफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्मैग्मा के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आइए जानते हैं कि स्मैग्मा क्या होता है। तो स्मैग्मा एक सफ़ेद रंग का होता है जो पेनिस के अंदर की त्वचा यानी कि जो पेनिस के अंदर की जो स्किन होती है उसकी डेड स्किन को स्मैग्मा कहते हैं और ये नॉर्मल होता है। अगर आपको स्मैग्मा के अलावा अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट में कोई लालिमा या सूजन जैसे इन्फेक्शन के अन्य लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो स्मैग्मा को कैसे साफ़ किया जाता है, बच्चों के प्राइवेट पार्ट पे जमा स्मैग्मा को साफ़ करने के लिए आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है और रोज़ गुनगुने पानी से साफ़ करने पर स्मैग्मा ठीक हो जाता है और इसे बिल्कुल भी ज़बरदस्ती साफ़ करने की कोशिश ना करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको अपने बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को कैसे क्लीन करना है, उसके साफ़ सफाई में क्या सावधानियां बरतनी हैं और स्मैग्मा क्या होता है और उसे कैसे क्लीन करना है। इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो नई माँ बनी है उन्हें ये सब नहीं पता रहता है, क्या पता आपके शेयर करने से उनको अच्छी जानकारी मिल जाए, इसलिए आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।